रायबरेली जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जमा ये सैकड़ों युवक बीएड डिग्री धारक हैं, जिन्होंने मजदूरी करके कर्जा लेकर जमीन बेचकर बीएड किया था। आने वाले समय में इन्हें नौकरी मिलेगी और उनका आगे का जीवन सरलता से गुजर जाएगा, लेकिन उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद इनके सपने टूट गए। अब इन्होंने सरकार व राजनीतिक दलों से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि राजनीति की वजह से सरकार 2018 में हमें प्राइमरी के लिए योग्य मान लिया था, लेकिन आज 5 साल बाद हम फिर बेकार हो गए। कितनी मेहनत व कठिन परिस्थितियों में हमने ये डिग्री ली थी, अगर सरकार पहले ही ये लागू ना करती तो हम बीटीसी करते और अपने पैसे व समय की बर्बादी ना करते। अब सरकार चाहे अध्यादेश लाए, लेकिन उन्हें हमें अधर में छोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। फिलहाल उन्होंने आज डीएम के माध्यम से सरकार को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन भेजा है। अगर जल्द ही कोई हल ना निकाला तो ये बड़ी लड़ाई लड़ने का मन भी बना चुके हैं। अरे वो छोड़ो, अरे भैया सुनो, अरे सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? अरे क्या नाम है तुम्हारा? जाओ, मैं बैठी हुई है, अपनी बात करके जाओ। दो लोग जाओ, जाओ दो लोग। मैं बैठी हुई है, जाकर बात करके आओ। आप जाओ, जिसको जाना है वो जाओ। मैं बैठी हुई है, आपकी बात को हम मार रहे हैं। आप जाइए, अंदर जाइए, हम मार रहे हैं। आप बात अपनी कर रहे हैं भाई, इतने सब अधिकारी हैं कानून व्यवस्था के लिए, ठीक है? ज्ञापन लेने के लिए हम लोग हैं। आप जाइए, बात करिए, काम करिएगा। सभी साथियों के साथ आया हूँ ज्ञापन देने डीएम महोदया को, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है हम उसका सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। और लेकिन ये जो सरकार का रवैया है, सरकार का दुर्व्यवहार है बीएड शिक्षार्थियों के साथ, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग अपनी चुनावी प्रक्रिया में हम लोग को पेड़ देते हैं, अपनी वोट बैंकिंग को चमकाते हैं और फिर बीएड को शामिल करते हैं पीआरटी में, फिर कभी बाहर करते हैं, ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2018 में बीएड वालों को ज्ञापन डीएम महोदया को देने आए हैं। मांग हम लोग की है शामिल करें पीआरटी में, शामिल करें बीआरटी को, अध्यादेश लेके आए। और सुप्रीम कोर्ट का हम लोग बिल्कुल सम्मान करते हैं, उसको हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग के पक्ष में कम से कम केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को कुछ ना कुछ रियायत देना चाहिए, क्योंकि हम लोग को बिल्कुल बाहर कर दिया गया है। ये कहीं प्रकार का न्याय नहीं है। या तो अगर बाहर ही करना था तो आपने एक क्यों किया, आपने इस तरह से काम किया कि आज एक किया कल बाहर किया, अपनी चुनावी राजनीति को बिल्कुल चमका रहे हैं ये, और शिक्षार्थियों का कोई ध्यान न दे करके उनका करियर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। ये बिल्कुल सरासर एजुकेशन को लेकर के एक तमाचा है बहुत जोर से, हम सभी शिक्षकों के ऊपर और हम सभी प्रशिक्षुओं के ऊपर, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात, एजुकेशन को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है मोदी सरकार, योगी सरकार, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट टैक्स लगा के बैठी हुई है एजुकेशन सेक्टर पर, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। कम से कम इस पे हम लोग की सुनवाई करें, बीएड को पीआरटी में शामिल करें। धन्यवाद सर। 2018 में देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।